हेलो फ्रेंड्स, नीट में या दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें आपको बायोलॉजी में क्वेश्चन आता है अबाउट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ हैविंग, ठीक है, द प्रोजीनी कि इतना जो है नंबर जो है कौन किस तरह के प्रोजीनी का कितने जो है चांसेज है होने के या प्रोबेबिलिटी है होने की, ठीक है, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डॉटर और सन, सिंगल डॉटर या सिंगल सन, पहला ही चाइल्ड की बात करें तो कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपको पता ही, बहुत ईजी है। जैसे आप जो है ये जो है फ्लो चार्ट बनाते हो, एक्चुअली ट्री बनाते हो उसमें, ठीक है, कि चांस जो है, जैसे हम क्रॉस की बात करें तो मेल गेमिट्स जो हैं ये और ये क्या है फीमेल गेमिट्स, सारे के सारे सेम है इसलिए हमने एक ही लिखा। तो क्या चांस लेते हैं क्रॉस, क्या बता रहा है कि 1/2 चांस है डॉटर होने के और 1/2 चांस ही है, ठीक है, सन होने के। तो ईजी है, ठीक है, ऐसे आप चाहे ऐसे कर लो इसको, वो ना कि डॉटर या सन होने के सिर्फ कि दो है ना चांस यहाँ पे, एक डॉटर या सन होने के हाफ हाफ चांस हैं दोनों के, बाकी अब इक्वेशन लगा के, क्योंकि आगे जो जो बड़े ना ज्यादा प्रोजीनी आपको बताएगी तो आपको ये मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल प्रोजीनी जो है चाइल्ड कितने बताए, ओनली वन, तो आप यहाँ पे वन लिखा है, एक्चुअली आपने केसेज बनाने हैं यहाँ पे, और दो ना एक में से सिर्फ एक ही है वो डॉटर है, ये चांसेस क्या थे लेकिन डॉटर और सन होने के, डॉटर के 1/2, सन के भी 1/2, लेकिन डॉटर कितनी है 1, सन कितने हैं 0, एक में ही, क्योंकि एक ही चाइल्ड बोल रहे हैं अभी, तो इसको पूरा सॉल्व क्या करोगे आप, कैसे होगा ये 1 × 1/2 × 1/2 × 0 दैट इज आगे आपके पास 1/2। अब चाहे आपके पास सन पूछा चाहे डॉटर, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा यहाँ पे 1/2। लेकिन अब हम चेंज करते हैं इसको क्वेश्चन को, जैसे हम बोलते हैं टू डॉटर्स ओनली, तो ये क्रॉस से आपको डॉटर और सन की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा वही रहेगी 1/2 1/2। अब हम बोलते हैं टू डॉटर्स, ठीक है, आउट ऑफ टू चाइल्ड्स, कि दो चाइल्ड हैं दोनों ही क्या हैं डॉटर्स, इसके क्या चांस रहेंगे। अब क्लियर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस तरह से कर रहे हो कि ये फर्स्ट चाइल्ड था फिर सेकंड चाइल्ड के केस में फिर से आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो यहां पे फिर से क्या चांसेस हैं डॉटर होने के और एक सन होने के, या फिर यहां पे भी डॉटर और सन, ठीक है, तो सेकंड चाइल्ड भी डॉटर ही है तो ना कहां पे जुड़ रहा है आपको देखिएगा ये क्या चांस आ जाएंगे, एक्चुअली ये देखिएगा ना ये डॉटर, अब इसको हटा दो 1/2 को, यूं करिए डॉटर और फिर ये डॉटर, ये बाकी क्या है डॉटर सन, सन डॉटर सन सन, तो ये नहीं है, तो कितने हैं ये एक्चुअली दो चाइल्ड में से दोनों डॉटर होने के चांस क्या हैं ये, अब बोलो चार वे में से एक, 1 out of 4, ये चार प्रोजीनी है, चार के चांस ही है, लेकिन चारों में ना कितने चांस है कि दोनों डॉटर्स हैं सिर्फ एक चांस है, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, या अगर आपने इस तरह से करना है एक्चुअली तो आप क्या करोगे, आप सिंपल मैथ लगा के देखो दो चाइल्ड हैं तो आप ऊपर लिखोगे दो टोटल चाइल्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो मल्टीप्लाई करना है जो प्रीवियस जो ठीक है जो केसेस होते हैं एक्चुअली वो उनसे मल्टीप्लाई करना है आपने, टू पिछला केस क्या था 1, लेकिन दोनों ही क्या है यहाँ पे डॉटर्स, ठीक है, तो डॉटर्स को लिख लिया और प्रीवियस जो है केस है आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, मल्टीप्लाई बाय फिर आपने चांसेस लिखने हैं ये डॉटर के चांसेस और ये सन होने के, ठीक है, चांसेस 1/2 1/2, लेकिन हुआ क्या है ना बोला कि सिर्फ दोनों ही क्या है डॉटर्स, तो ये डॉटर्स की बात है डॉटर्स, ठीक है, दोनों की दोनों डॉटर्स, सन कितने हैं 0, ठीक है, तो आप सॉल्व करके देखिएगा क्या आएगा, ये तो सारा 1 रहेगा फिर से और ये क्या हो गया 1/2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्या चांस हो गया ये 1/4 कि दो चिल्ड्रन में से दोनों ही डॉटर होने के चांस क्या हो गए 1/4, ठीक है। इस तरह से अगर आप तीन करना चाहो कि 3 children हैं और तीनों ही क्या हैं डॉटर्स, 3 daughters out of 3 children, तीनों चिल्ड्रन जो हैं डॉटर्स हैं, तो अब आपको जो है अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो अब काफी लेंदी हो जाएगा ये। अब थर्ड केस भी आपने देखना है, थर्ड चाइल्ड, ठीक है, अब आप यहां फिर से करिएगा डॉटर सन, ठीक है, डॉटर सन, इस तरह से करना पड़ेगा आपको, फिर देखना पड़ेगा कितने केस बन रहे हैं सिर्फ डॉटर होने के, ठीक है, डॉटर सन डॉटर और ये सन, तो हम देखते हैं अब डॉटर डॉटर होने के, ठीक है, तो एक तो ये आ गया 1 और है कोई देखिएगा डॉटर देन ये डॉटर और ये डॉटर, ठीक है, और तो मैं हाई थिंक नहीं है,
तो कितना लिखा आपको ये चेयर्स कितने हैं ये? डॉटर 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 डॉटर, नहीं है नहीं है नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही केस है ये। एन कितने में से है, ये टोटल कितने हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 out of 8, इस तरह से। ठीक है, तो आप उस तरह से करोगे तो लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूला लगाओगे फिर से तो क्या होगा, यहाँ पे ये चेंज बदलेगा, ये बदलेगा सिर्फ। थ्री चिल्ड्रन हैं, केसेज आपने बनाने हैं तो थ्री टोटल चिल्ड्रन थ्री हैं, मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस केस टू देन वन, तीनों के तीनों क्या हैं? डॉटर्स। ठीक है, तो ये फिर से क्या रहेगा एक्चुअली, वन वन मल्टीप्लाई बाई, ये कितना है, कितने डॉटर्स हैं? थ्री मल्टीप्लाई बाई मतलब रेज पावर थ्री मल्टीप्लाई बाई सन जीरो, ये वन रह गया सिर्फ। ठीक है, तो आपके पास फिर से आंसर अपने आप आ गया यहाँ पे, 1/8। क्लियर, इस तरह से फोर है तो ना उस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर, अब हम देखते हैं इससे नहीं करेंगे, इस मेथड से लेंदी हो जाता है एक्चुअली। थ्री चिल्ड्रन हैं, उनमें से हम बोलते हैं एक्चुअली कुछ और लेते हैं हम। थ्री चिल्ड्रन में से टू डॉटर्स और वन सन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टू डॉटर्स एंड वन सन, ठीक है, आउट ऑफ थ्री चिल्ड्रन, तो क्या चांसेस हैं? देखिएगा, टोटल चिल्ड्रन है हमारे कितने? थ्री। ठीक है, प्रीवियस केस टू देन वन, डॉटर्स कितनी है? टू मल्टीप्लाई प्रीवियस केस वन, और सन कितना है? सिर्फ वन। ये अब मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, चांसेस सन के और डॉटर के, डॉटर के चांसेस हैं 1/2, सन के भी 1/2, लेकिन डॉटर्स कितनी है? टू, सन कितने हैं? ठीक है, जीरो, सॉरी जीरो नहीं, वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ गया थ्री मल्टीप्लाई बाई 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्या आंसर आ गया आपके पास? 3 out of 8, मतलब तीन चिल्ड्रन में से दो डॉटर और वो एक सन होने के क्या चांसेस आ गए? 3 out of 8। अपने इस तरह से करना है एक्चुअली इसको। ओके, एक क्वेश्चन और आता है आपको। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि पेरेंट्स हैं बोथ आर कन कैरियर्स फॉर द एल्बिनिज्म, बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर एल्बिनिज्म, और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग थ्री एल्बिनिक एंड वन नॉर्मल चिल्ड्रन, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? अब आप क्रॉस करके देखिएगा तो क्रॉस करके क्या होगा आपके पास, क्योंकि एल्बिनिज्म है, एल्बिनिज्म क्या है? ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, वो भी कैसा? ऑटोसोमल। तो हम मेल में लगा लेते हैं, मेल के जो कंडीशन है गैमेट्स हम बना रहे हैं ए ए, और सिमिलरली गैमेट्स जो है किसके बनेंगे? फीमेल के भी बनेंगे ए ए स्मॉल ए। ठीक है, तो ये जो है प्रोजीनी के जो है जीनोटाइप आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो कब आएगा? सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, मतलब ये है एल्बिनिक होने के जो जीनोटाइप है, बाकी ये तीनों क्या रहने वाले हैं? नॉर्मल। इसका मतलब चांसेस, नॉर्मल चांसेस क्या है? नॉर्मल होने के एक चाइल्ड के लिए, एक चाइल्ड होने के चांसेस है नॉर्मल होने के, चार में से कितना? थ्री, मतलब 3 out of 4। और एल्बिनिक होने के चांसेस कितने हैं? दैट इज एल्बिनिक चार में से क्या है? 1 out of 4। ठीक है, क्योंकि हर बार जो है ना, जो भी प्रोजेनी चाइल्ड जो है वो एक ही पैदा होगा ना, लेकिन चांसेस नॉर्मल पैदा होने के थे 3 out of 4, एल्बिनिक होने के थे 1 out of 4। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीन एल्बिनिक और एक नॉर्मल चाइल्ड होने के क्या चांसेस हैं? तो फिर से वही, ठीक है, उस तरह से करिएगा आप। टोटल जो है चाइल्ड जो है यहाँ पे कितने हैं? तीन एल्बिनिक हैं और एक नॉर्मल, मतलब टोटल कितने चिल्ड्रन हैं? ये टोटल 4 चिल्ड्रन। ठीक है, तो 4 चिल्ड्रन आप करिए 4 मल्टीप्लाई बाई, जो इससे प्रीवियस लोअर नंबर है उसे आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2/1। ओके, इसके बाद ठीक है, तीन एल्बिनी के लिए, ठीक है, तीन केस अलग हैं और ये अलग केस है, तो तीन एल्बिनी 3 और इससे प्रीवियस जो नंबर है लोअर नंबर उसे मल्टीप्लाई करिएगा, दिस वन
मल्टीप्लाई बाई जो ही इसको, क्योंकि एक ही है, इसको एक से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो चाहे नहीं लिखो वैसे तो ये केस हो गए मल्टीप्लाई और करना अपने नॉर्मल केसेस से, जो केसेस है यहाँ पे आप देखिएगा नॉर्मल होने के चांसेस थे 3 out of 4, ठीक है, और एल्बिनिक होने के चांसेस हैं 1 out of 4 चांसेस, नॉर्मल चांसेस। लेकिन हुआ क्या, नॉर्मल जो है कहा 1 है लेकिन एल्बिनिक कितने हैं 3, ये देखिए इस तरह से आप कर लीजिए इसको सॉल्व, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ये आप करोगे तो ये रहेगा सिर्फ 4 × 3/4 × 1/4 दैट इज 64, ये चांस, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा आगे, ठीक है, 12 out of 256, ठीक है, ये चांस। या इसको आप जो है सॉल्व करना चाहो, काटना चाहो इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इट इज 3 out of 64, चाहे आप ये आंसर दो चाहे ये। मान लीजिए लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आपको आया था ये मेडिकल एग्जाम में, उसमें आंसर ये दिया गया था, लेकिन शॉर्ट में और करना है तो आप ऐसा ही आ जाएगा ये, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, इस तरह से आपने जो है प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है, क्लियर। नॉर्मल होने की, इस केस में जो है नॉर्मल कि आप बोलोगे कि 3 जो है वो नॉर्मल है और 1 एल्बिनिक चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो ऐसी नहीं आएगा आपका आंसर कि 3 out of 4 or 1 out of 4, ठीक है। अगर हम नॉर्मल की बात करें कि 1 एल्बिनिक एंड 3 नॉर्मल 1 एल्बिनिक, तो इसमें ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहां पे 3 out of 4, ठीक है, ये था नॉर्मल होने के चांस, और ये तीनों बताया है नॉर्मल और ये बताया है आपको अब एल्बिनिक, तो अब बदले की प्रोबेबिलिटी, अब क्या हो गया इसका होने के चांस, ये तो फिर से वही रह गया 4 × ये आ गया 27 out of 64 × 1/4, ठीक है। अब इसको चाहे ये करिए, 4 4 कट गया, मतलब क्या चांसेस आ गए, 27 out of 64, ठीक है। तो ये चांसेस हैं अगर ये पूछा 1 एल्बिनिक और 3 नॉर्मल होने के चांस, क्लियर। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, ओके। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।